बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक इजी और क्विक रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मगर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही तरीका शेयर कर रही हूँ। तो चलें मज़ेदार सी तुरई की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तुरई की ये सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 2 किलो तुरई हैं। आपने तुरई इस तरह से लेनी है, हरी होनी चाहिए, कच्ची होनी चाहिए। थोड़ी सी हार्ड होती हैं या थोड़ी सी येलोइश कलर की होती हैं तो वो तुरई थोड़ी सी ख़राब निकलती हैं, यानी थोड़ी सी कड़वी होती हैं जो कि तुरई का जायका ख़राब कर देती हैं। तो कटिंग करते वक्त आप इनको ज़रूर टेस्ट करके कट कीजिएगा ताकि आपकी तुरई की सब्ज़ी ख़राब ना बने। तो अभी हम इनको छील रहे हैं, छीलने के बाद मैं इनको कट कर लूँगी। तमाम तुरई मैंने छीलने के बाद कट कर ली हैं। आप जिस तरह से भी कट करते हैं उस तरह से कट कर लीजिएगा। अभी हम इनको कुक करेंगे तो 1/2 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल किया है। प्याज को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा नरम कर लेंगे। प्याज इस वक्त पकना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और उसको हल्का सुनहरा कर लेंगे। प्याज को मैंने हल्का सुनहरा कर लिया है। अब हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। मैं टमाटर इसमें 3 बड़े साइज़ के ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख लीजिएगा, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी थोड़ी सी मीठी बनती है तो इसमें प्याज भी कम शामिल की जाती है, टमाटर थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं और इस सब्ज़ी के साथ लीमू को सर्व किया जाता है ताकि तमाम चीज़ बैलेंस हो जाए। तो टमाटर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम तमाम स्पाइसेस भी साथ ही शामिल कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके रखेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि मसाले जले नहीं और टमाटर भी नरम हो जाएं। इन टमाटरों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रखा था। ये सख्त सॉफ्ट हो चुके हैं, मैश करेंगे इनको, मगर ज़्यादा मैश नहीं करूँगी क्योंकि हमने इसमें तुरई की सब्ज़ी ऐड करनी है। तुरई की सब्ज़ी जब इसमें पकना शुरू होती है, नरम होती है, तो उस वक्त भी मैं इनको मैश करती हूँ तो दोनों चीज़ें साथ ही मैश हो जाती हैं। तो देखें आप, यहाँ पर थोड़े से टमाटर साबुत नज़र आ रहे हैं। अब हमने इसमें तुरई ऐड करनी है। तुरई ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आँच पर, यानी मीडियम टू लो आँच पर हमने इनको कवर करके रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये अपना पानी रिलीज नहीं करती हैं। यह देखें, तुरई की सब्ज़ी ने बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। ये सब्ज़ी इस वक्त गल चुकी है, मगर इसको अभी मैश करना है और पानी भी ड्राई करना है। तो मैश कर लेंगे और इसका पानी भी हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लिया है, भून लिया है और थोड़ी सी नीचे से लगना शुरू हो जाती है, इतना आपने इसको कुक करना है। अगर आपको पानी वाली तुरई पसंद है तो थोड़ा सा इसको कुक करके आप एज़ इट इज़ वैसे रख सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे और उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। तुरई की सब्ज़ी अक्सर घरों में बनती है, सबका अपना अपना तरीका है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो बनाकर ज़रूर देखिएगा, बेइंतहा लजीज बनती है। इसको लीमू के साथ सर्व किया जाता है। तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।